अब हम मूव करेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो मैंने कोशिश की कि प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा नाम सुने जाते हैं और जहाँ पे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उस पर काम किया जाए और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाए। तो सर फहरिस्त आगा खान हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर की सैलरी जो है अभी 75,000, और पीजीज की सैलरी जो है अभी वहाँ पे R1 से जो 1,15,000 या 1,10,000 से शुरू कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद एयरली इंक्रीमेंट होता है इनके यहाँ, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का। तो ये इन लोग की ग्रेजुअली बढ़ती रहती है और एंड अप विद 125, 135 इस तरह एंड अप होती है। इसी तरह RMO की आगा खान में पे जो है, आगा खान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट RMOs की जॉब्स आती हैं, खास तौर पर रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में, और रिसर्च बेस्ड जॉब जो होती है वो, उसमें एवरेज जो उनकी सैलरी पैकेज है वो 1,00,000 रुपीज़ है। इसके अलावा लियाकत नेशनल की बात करते हैं तो लियाकत नेशनल में हाउस ऑफिसर की जो सैलरी है वो 40 to 45,000 तक ये लोग दे रहे हैं, मैक्स 50,000, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन के, अभी जो आने वाला बैच है उसको क्या पे किया जाता है। इसी तरह वहाँ पे पीजीज की सैलरी जो है वो 84,000 से शुरू हो रही है लियाकत नेशनल में और 90,000 तक जा रही है। ये इनका कुछ हिसाब ये होता है कि जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट होता है उसको कम दी जाती है, उसके बाद ईयरली उनकी जो है बढ़ा दी जाती है। RMOs की सैलरी लियाकत नेशनल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट है, 75,000 से लेके 1,00,000 तक का ये पूरा समझ लें कि स्केल है, कि यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाएंगी डिफरेंट एज़ पर एक्सपीरियंस, और आप निगोशिएशन करें तो आपको यहाँ पे, और यहाँ पे लियाकत नेशनल में एमरजेंसी में आपको जॉब मिलती है RMOs की, इसके अलावा हेमाटोलॉजी में, इन जगहों पे, इन डिपार्टमेंट में RMOs की जॉब होती हैं। पटेल में जो है वो अभी हाउस ऑफिसर की सैलरी चल रही है तकरीबन 50,000 करीब, और इसके अलावा पीजीज की सैलरी जो है वो शुरू होती है R1 रेजिडेंट की 72.5 से, यानी कि 72,500 से शुरू हो रही है और 2,500 रुपये पर ईयर इंक्रीमेंट कर रहे हैं ये। RMOs की पटेल में सैलरी मिनिमम 75,000 से शुरू हो रही है और 85-90 तक ये लोग देते हैं एज़ पर एक्सपीरियंस। यहाँ पे RMOs को जो है एमरजेंसी में, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, ENT में, इन जगहों पे पोस्ट किया जाते हैं। इसके अलावा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जो है हाउस ऑफिसर की सैलरी तकरीबन 40 से 45 हज़ार और PGs की सैलरी 70,000 के करीब है। अच्छा, इनका ये है कि ये ईयरली 1,000 इंक्रीमेंट देते हैं, और फिर इसके बाद ये है कि कुछ इनके मामला इस तरह हैं कि वो अगर आप इनके साथ कुछ लोग ज़्यादा टाइम से हैं और वो अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो फिर उनकी एकदम ग्रेजुअली उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर की बिल्कुल कम थी, अब उनके अप टू 70,000 तक उनको कर दिया गया है। तो इनके जो बताते हैं कि 1,000 पर ईयर की वो करें इंक्रीमेंट देंगे, लेकिन इनके बढ़ जाती है सैलरी इनकी। RMOs की सैलरी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मिनिमम 75,000 से शुरू हो रही है और अराउंड 1,00,000 तक जाती है। ये भी डिपेंड करता है कि वो RMO कहाँ पोस्टेड है, अगर वो RMO मेडिकल ICU में है तो उसकी डिफरेंट होगी, अगर वो कॉलेज में है तो डिफरेंट सैलरी होगी। तो ये 75 से लेके 1,00,000 तक का फिगर है। इसके अलावा मेमन मेडिकल की बात करें, अगर हम यहाँ पे हाउस ऑफिसर नहीं होते, यहाँ पे जो PGs की सैलरी है वो तकरीबन 70,000 रुपये है, और करीब 2,000 या 2% कह लें कि 2% का जो है इनका इंक्रीमेंट लगता है पर ईयर, जो कि कभी इनको लगता है कभी नहीं लगता है, तो ये इनका जो है फ्लक्चुएट कर रहा होता है। RMOs की सैलरी मेमन मेडिकल में तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये। हमदर्द हॉस्पिटल जो कि ताज कॉम्प्लेक्स सदर में वाक़ है, यहाँ पे जो हाउस ऑफिसर की सैलरी है वो करीब 25,000 है और PG की सैलरी तकरीबन 50,000 है। RMOs के ये लोग 60,000 से लेकर 75,000 तक पे करते हैं। हमदर्द की एक ब्रांच जो है वो नेमत बेगम है, जो नाजामा में पाई जाती है, वहाँ पर पोस्टिंग होती है सेम, वहाँ पे भी सैलरी पैकेज जो चल रहा होता है वो हमदर्द का वो फॉलो होता है। इसके अलावा हमारे पास हमदर्द हॉस्पिटल है, सॉरी हमारे पास CMH हॉस्पिटल है कंटोनमेंट का, तो वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो डिफरेंट है हाउस ऑफिसर्स का। कुछ उनके अपने कैडेट ऑफिसर्स होते हैं तो उनको 45,000 तक दे रहे हैं वो, और बाहर वालों को वो लोग 25,000 दे रहे हैं। PGs मोस्टली अनपेड हैं CMH में, और अगर मिल भी जाता है तो उनको 25 से लेकर 45 तक मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। PNS शिफा की अगर बात करें तो वहाँ पे हाउस ऑफिसर की सैलरी 42,000 है और PGs की सैलरी जो है वो तकरीबन 50-55,000 तक है। इनका ये पैटर्न है कि ये लोग 3,000 पर ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंट करते हैं। इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल में जो है PGs की सैलरी अराउंड 90,000 से शुरू हो रही है और 5,000 पर ईयर का इंक्रीमेंट देते हैं ये,
इनकी R1 से अगर आप बंदा लगता है तो वह वो 19,000 से शुरू करेगा और उसके बाद पर ईयर उनकी 5,000 बढ़ती जाएगी। इंडस वाले RMOs को 75,000 से लेके 85,000 तक पे करते हैं। फ्रेशर अगर RMO है तो 70-75,000 से शुरू करेंगे, उसके बाद उनकी और अकाउंट एक्सपीरियंस वो बढ़ जाती है उनकी। इसके अलावा किडनी सेंटर में रेजिडेंसी जो हमें मिलती है वो मिलती है R3 से, प्राइमरी रियोलॉजी रेजिडेंसी मिलती है हमें और नेफ्रोलॉजी की। तो वहाँ पे हमारे पास जो पैकेज है वो 1,15,000 है PGs का, और इसके अलावा जो RMOs का है वहाँ पे 75,000 से लेके ऑनवर्ड उनको पे किया जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस। इसके अलावा तब्बा किडनी में भी हमारे पास रेजिडेंसी अवेलेबल है और वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 90-95,000 का पैकेज है और 5,000 पर ईयर के इंक्रीमेंट है तब्बा किडनी में। और RMOs की तब्बा किडनी में जो सैलरी है वो तकरीबन 75,000 से शुरू हो रही है और उसके बाद ऑनवर्ड उनकी एक्सपीरियंस पर बढ़ती जा रही है। ये कुछ जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ें अपडेट्स के मुताबिक जो हैं अभी राइट नाउ ये चल रहे हैं इनके पे स्केल, और सब्जेक्टेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया गया है उसके मुताबिक ये इनका सैलरी पैकेज चल रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में मैं आपको बताते चलूँ कि RMOs की जॉब्स आते रहती हैं। कुछ छोटे हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो RMOs को जो है अकॉर्डिंग टू द लोकम बेसिस पे भी जॉब्स देते हैं। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट पे भी जॉब मिलती हैं। तो मैं ये बता दूँ कि मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि 6 आवर की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट होती है, जिसमें जो पैकेज दिया जा रहा है वो मिनिमम जो है वो 50,000 से शुरू हो रहा है और अराउंड 75,000 तक जा रहा है। इसमें मोस्टली लोग जो हैं मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 60 तक पे कर रहे हैं, और जो कुछ बड़े हॉस्पिटल हैं अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे 75,000 तक आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा नाइट्स जो होती हैं वो 12 आवर्स की होती हैं, वो ऑल्टरनेट होती हैं मोस्टली जगहों पर, और इस हिसाब से वहाँ पर भी सैलरी तकरीबन 60,000 तक बेसिक एवरेज मिलती है और अच्छी जगहों पर तकरीबन 75 तक जाती है। लोकम बेसिस पे जो RMOs की सैलरी है वो 6 आवर्स की अराउंड 2,000 से लेके 3,000 तक है, और नाइट की सैलरी 4,000 से लेके 5,000 तक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ये वेरी कर सकता है, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो यही है 12 आवर्स की जो है वो 4-5,000, और 6 आवर्स की जो है 2-3,000 मिल रही है। थैंक यू सो मच। आई ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जूनियर डॉक्टर्स एंड फ्रेशर्स। आई होप यू विल गेट इनफ नॉलेज एंड साउंड नॉलेज अबाउट द पे स्केल, एंड आप लोग से काफ़ी फ़ायदा होगा और आप लोग अपने करियर जो है वो चूज़ करने में आसानी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।